नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर सतना से है, जहां अपराधियों व अवैध कारोबारियों पर एक्शन लगातार जारी है। मंगलवार को मैहर के खैरा में महिला के साथ अमानवीयता करने वाले दो अपराधियों के घर जमीन दोज करने के बाद प्रशासन का बुलडोजर बुधवार को शहर में एक और अवैध कॉलोनी पर चला। हासिल जानकारी के मुताबिक नगर पालिक निगम सतना अंतर्गत वार्ड नंबर 1 अमौधा में की जा रही एक अवैध प्लाटिंग पर बुधवार को नगर निगम प्रशासन के बुलडोजर ने एक्शन लिया। निगम की टीम ने यहां बिना अनुमति अनुज्ञा के बनाई गई सड़कें जेसीबी के पंजों से उखाड़ कर फेंक दी। इस काम के लिए यहां एक साथ चार मशीनें लगाई गई थी। बताया गया कि वार्ड नंबर 1 में अमौधा में 2.85 हेक्टेयर यानी लगभग 7 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनी बनाई जा रही थी। भूमि स्वामी अनामिका मिश्रा पिता हीरा लाल मिश्रा, लाल त्रिपाठी पिता चिंतामणि त्रिपाठी और अर्चना त्रिपाठी पत्नी लाल त्रिपाठी ने यहां आरजी नंबर 369, 370, 371 तथा 372/1 में अवैध कॉलोनी का प्लान बनाकर प्लाटिंग शुरू की थी। इसके लिए यहां सड़कें बना दी गई थी और प्लाट भी काट दिए गए थे। इस अवैध प्लाटिंग के लिए किसी भी सरकारी विभाग से कोई अनुमति अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गई थी। नगर निगम प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी किया था। नोटिस की मियाद बीतने के बाद नगर निगम के ई अरुण तिवारी को कमिश्नर राजेश शाही ने कार्यवाही के निर्देश दिए थे। बुधवार को जेसीबी मशीनों के जरिए इस अवैध प्लाटिंग की सड़कें उखाड़ फेंकी गई। एक साथ चार मशीनें लगाई गई और एहतियाती तौर पर पुलिस बल को भी साथ में लिया गया था। बता दें कि सतना नगर निगम ने पिछले कुछ दिनों में कई अवैध प्लाटिंगों पर बुलडोजर चलाया। कृपालपुर के पास एक भाजपा नेता की पार्टनरशिप वाली अवैध कॉलोनी को भी निगम प्रशासन तहस नहस कर चुकी है, जबकि बगहा पेट्रोल पंप के पास बन रही अवैध कॉलोनी पर भी एक्शन हो चुका है। ये पूरी